अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ ट्राउज़र का एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। इसमें मैंने जो है कमीज़ के प्रिंट से, कमीज़ का जो कपड़ा था उसके प्रिंट से मैंने तकोन्स बना के लगाई हैं इसमें, और हर तकोन के ऊपर मैंने एक बीड्स लगाए हैं। बारीक इसमें जो है सिलाइयाँ लगाई हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ये लगता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है ताकि ये डिसेंट लगे। बहुत ही सिंपल ये डिज़ाइन लग रहा है। इसको बनाना शुरू करते हैं, इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितना भी ट्राउज़र की लेंथ होगी उसमें से आपने 11 इंच जो है कम कर लेना है, और 11 इंच का जो है अलग से हम कपड़ा लगाएं। लंबाई जो है आपने इस कपड़े की 11 इंच लेनी है, जिसमें से 3 इंच फोल्ड हो जाएगा और थोड़ा सा आधा इंच जो है ऊपर सिलाई में भी जाएगा। 21 इंच कपड़े की चौड़ाई लेनी है। प्लेट्स डालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा हम उसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले सेंटर जो है वो प्रेस कर लें। इसके बाद ये जो तकोने बनाई हैं उसको ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस से रखें, क्योंकि यहाँ पे सिलाई होगी तो सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो है ये तकोने रखें। ऐसे बॉटम से जो अंदर की तरफ कपड़ा मुड़ेगा उसका भी मार्जिन रखें 3 इंच का। 3 इंच तक जो है ये लगेगा। अब मैं इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। मैं क्रीज बनाई है, इस क्रीज से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रख के और इसको इस तरीके से उठा के ये जो तकोनों की सिलाई है इस सिलाई से थोड़ा सा आगे रख दें। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। मैंने सीधा जो है सिलाई लगा ली है और ये तो कोने जो है सिलाई के अंदर सिल चुके हैं। यहाँ पे प्लेट्स डालना शुरू करूँगी और इसके लिए मैं कोई निशान नहीं लगा रही। जस्ट देखें मैं किस तरीके से प्लेट डालूँगी। ऐसे मैं अपनी फिंगर से इसको ऐसे पकड़ूंगी, इधर से भी मैं इस तरीके से पकड़ूंगी। ये तो कोने जो है एंड हो रहे हैं, यहां पर हमने सबसे पहली प्लेट डालनी है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। और याद रहे कि सिलाई जो है तो कोनों के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बारीक से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पहली प्लेट इसमें जो है डाल चुकी है। अब नेक्स्ट प्लेट के लिए हमने करना यह है कि मैं इस तरीके से इसको पकड़ूंगी यहाँ से, और इसी तरीके से मैं इस प्लेट के साथ इसे पकड़ूंगी इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि जितना गैप इधर से दिया है इतना ही गैप इस तरफ से देना है। यहाँ पे हम इसी तरीके से दूसरी प्लेट डाल लेंगे और इधर भी इसी तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे। ये देखें ऐसे प्लेट डालेंगे, इधर भी ऐसे ही प्लेट डालेंगे, फिर नेक्स्ट प्लेट जो है वो भी इसी तरीके से हम कैसे और ऐसे इस तरीके से हम सारी प्लेट्स डालते जाएंगे। जो प्लेट्स हैं इन सब का रुख एक तरफ होना चाहिए। हम जो आयरन करेंगे वो एक रुख पे आयरन करेंगे सब प्लेट्स को, ताकि उन सब प्लेट्स का रुख जो है वो एक तरफ हो जाए। अब इसे हम ट्राउज़र के साथ अटैच कर देंगे। ये ट्राउज़र है और इस तरीके से जो इसका ये सिलाई है, इस सिलाई के साथ हमें ये वाली सिलाई मैच करनी है जहाँ पर मैंने तकोने लगाई हैं। इसको खींचना नहीं है, आराम से इसको रख के हमें सिलाई लगा देनी है। अभी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ट्राउज़र के साथ जो है मिला के सी दिया है। अब क्या करेंगे कि ये जो सिलाई है अंदर की तरफ की जो सिलाई है इसको नीचे जो कपड़ा हमने प्लेट्स जिस पर डाली है उस तरफ मोड़ेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर सिलाई लगा देनी है। सात इंच पे मैंने निशान लगाया है कि मुझे ये पाइचा 6.5 इंच चाहिए, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा के इसको इधर से मिला दिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये हिस्सा जो है 7 इंच जो है हमारा तैयार हुआ है। 7 इंच की जो है मैंने प्लेट्स डाली।
ट्राउज़र बनकर रेडी है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।